बीते कुछ सालों में भारतीय सेनाओं में महिलाओं को अहम पोजीशन देने के मामलों में बड़े बदलाव हुए हैं। इसी क्रम में पहली बार नेवी की दो महिला अधिकारियों को फ्रंट लाइन वॉरशिप का हिस्सा बनाया जाएगा। सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को भारतीय नेवी के युद्धक पोतों पर ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। ये भारत की पहली महिला एयरबोर्न टेक्नीशियंस होंगी जो जंगी जहाजों के डेक से काम करेंगी। नौसेना ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए 17 ऑफिसर्स में से इन दोनों को चुना है। दोनों ऑब्जर्वर्स एक खास टीम का हिस्सा थीं। इन्हें एयर नेविगेशन, फ्लाइंग प्रोसीजर्स और हवाई युद्ध के दौरान आजमाई जाने वाली तरकीबों, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अलावा एवियोनिक सिस्टम्स की भी ट्रेनिंग दी गई है। अब तक महिलाओं की एंट्री फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट तक सीमित थी, जो समुद्र तटों के पास ही टेक ऑफ और लैंड करते थे। वहीं सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह नेवी के 17 अधिकारियों के एक ग्रुप का हिस्सा हैं। इस ग्रुप में 4 महिला अधिकारी थीं। इन अधिकारियों को नियुक्ति की जिम्मेदारी INS गरुण पर आयोजित हुए एक कार्यक्रम में दी गई।